जैसे ये सूरज डूब रहा है ना, कसौली पहुंचते ही ऐसे ही हमारी आशाएं डूब गई। गाइस ये सफ़र है आशा और निराशा और फिर आशा का। ये थी हमारी आशा, कसौली घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। लो भाई, गाइस से हाय। Hi. Say hi. And this is a trip from Delhi to Delhi to Kasali. तो मनसा देवी माता के दर्शन करने के बाद हमारा काफिला बढ़ चला हिमाचल में कसौली की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने चैनल द इंडियन रोड ओडिसी और मैं हूं SPS जो कि आपका ट्रैवल पार्टनर हूं। हम पहुंच चुके हैं कसौली और आप देख रहे हैं यहां पर भीड़। शहर में एंट्री करने में ही हमें 2 घंटे लग गए, बहुत बुरे फंसे हम। कसौली हम पहुंच तो गए लेकिन जब पार्किंग ही नहीं मिली तो होटल कहाँ मिलेगा ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा था। मॉल रोड, हेरिटेज मार्केट सब छान मारा लेकिन अभी तक तो कोई होटल दूर दूर तक भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं था। होटल सर्च करने के लिए एनर्जी चाहिए तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं फिर ढूंढते हैं होटल, क्योंकि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। यह है हेरिटेज मार्केट और हेरिटेज मार्केट के एंड में हम पहुंच गए लेकिन हमें कोई भी होटल मिला ही नहीं। हमें देखते ही लोग बोलते थे नो रूम, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो एक बार तो विचार आया कि चलो वापस चलते हैं, कसौली फिर कभी आएंगे। तो हमने प्लान किया कि चलो यार वापस चलते हैं। सरप्राइज 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 गाइस, आखिर हमें होटल मिल गया। हम कसौली से वापस लौट रहे थे, अबाउट 5-5.5 किलोमीटर लौटे होंगे। तो हमें किसी ने बताया कि नीचे चले जाइए स्लिप रोड पे, वहाँ आपको होटल मिल जाएगा एंड वी गॉट द होटल। सो फ्रेंड्स, ये है अगली सुबह और सुबह सुबह हमें मिला सरप्राइज़। इस होटल की खासियत है यहाँ की लोकेशन, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट वेयर वी कैन व्यू द सनराइज। ये प्लॉट का देख क्या चलती हो हाय रब्बा। और शेर बहादुर, अरे 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 और बाड़ी पहलवान की हाल है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी यहाँ की सुबह और सुबह सुबह नए दोस्तों से मिलना। आई एम एंजॉइंग इट। गुड मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग वॉक एंड मॉर्निंग वॉक। वॉकिंग ऑन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ कसौली। तो लीजिए हम दोबारा पहुंच गए कसौली टाउन। थैंक गॉड सुबह सुबह कल वाला रश तो नहीं है। तो आज का टूर हम प्लान करते हैं कसौली में। सबसे पहले हम जाएंगे
एरिया मैनेज किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और यहाँ पर एंट्रीज में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। आप किसी तरह का मोबाइल, पर्स, लेदर बैग्स कुछ भी नहीं ले जा सकते। आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी और उसके बाद ही आप ऊपर हनुमान जी के मंदिर जा पाएंगे, जिसे कहते हैं मंकी पॉइंट। टाइम फॉर द लेडीज टू हैव सम सेल्फीज एंड फन। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम वापस लौट आए हैं कसौली चौक, और यहाँ की मेन अट्रैक्शन है क्राइस्ट चर्च। तो आइए चलते हैं क्राइस्ट चर्च और आपको भी दिखाते हैं कैसा बना हुआ है अंदर से, बाहर से, और इसका आर्किटेक्चर कैसा है, आइए देखते हैं। विकास खान है ये क्राइस्ट चर्च, जो कि कसौली का लैंडमार्क है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। और ये चर्च डेडिकेटेड है सेंट फ्रांसिस और सेंट बार्नबास को, और ऐसा बताया जाता है कि इसमें डिवाइन सर्विसेज मींस प्रेयर स्टार्ट हुई थी 1853 में। वाओ, कितना पुराना चर्च है और कितना सुंदर, बिल्कुल कसौली की पार्किंग के साथ ही बना हुआ है, बस स्टैंड के पास बोलें या पार्किंग के पास बोलें। और बहुत लोग आते हैं चर्च को विज़िट करने के लिए। तो अब हम आ गए हैं चर्च के अंदर, और अंदर से चर्च की बनावट बहुत सुंदर है, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन अपने आप में सुंदरता समेटे हुए है। और चर्च के अंदर जो सामने आपको मिरर वर्क दिख रहा है, इससे तो इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। पर एक बात है दोस्तों, कि किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर आकर बैठना और शांति से बैठने से आपको इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। पीक सीजन में और वो भी वीकेंड में आने का यही नुकसान है, ना मिलेगी पार्किंग, ना मिलेगा होटल। हाँ साहब जी, चार चाय भी है, एक बन समोसा। ये है जैन टी स्टॉल, जो कि मॉल रोड पे है, जहाँ से हमने अपने पेट की आग बुझाई मतलब कि कुछ खाया पिया, लेकिन सब कुछ अच्छा था, बहुत टेस्टी था और प्राइस बहुत रीजनेबल थे। अब देखिए कसौली में हमने क्या देख लिया, मंकी पॉइंट देख लिया, क्राइस्ट चर्च देख लिया, मॉल रोड देख लिया, हेरिटेज मार्केट देख लिया, और अब चलते हैं यहाँ की फेमस गिल्बर्ट ट्रेल की तरफ। गिल्बर्ट ट्रेल इसी रास्ते से ऊपर जाता है, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 kilometers फ्रॉम हेयर। वी सल्यूट लांस नायक करम सिंह, 13 अक्टूबर को पैदा हुआ था मेरे साथ। ये आपके राइट साइड पे देख रहे हैं, ये है कसौली क्लब। चलो गाइस, इसकी फोटो ले लो। वाइल एन रूट टू गिल्बर्ट ट्रेल वी सॉ दिस ग्रेट फाइटर ऑफ इंडिया, हेल इंडियन आर्मी। एंड दिस इज द लेसन। आपने देखा सनराइज पॉइंट, और ये है दोस्तों सनसेट पॉइंट। अभी टाइम है तो यहाँ बाद में आएंगे। तेरी आँखों की सिफ़ार दुनिया में, तो लगभग 3 kilometers वॉक करने के बाद ये पॉइंट मिला है हमें, गिल्बर्ट ट्रेल। यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेल,
जिसके आगे आपको रास्ता ऐसा नहीं मिलेगा बल्कि पगडंडी मिलेगी, कच्चा रास्ता मिलेगा। यू सी द सर्टेन टायरिंग फेसेस, टायरिंग लेग्स, दे बीइंग गाइडेड बाय अ पर्सन। एक दो वो तो, और यहाँ पे हमारे दोस्तों ने हमारा साथ आखिर छोड़ ही दिया। नहीं, दिस इज अ हार्ड ट्रैक अप टिल नाउ, इट वॉज ओनली गुड रोड एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट द हेल इज गिल्बर्ट ट्रेल, बट नाउ यू सी दिस इज व्हाट यू कॉल अ ट्रेल। हिंदी में से कहते हैं पगडंडी, इट्स नॉट अ प्रॉपर रोड एंड वी डोंट हैव एनी क्लू व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, बट द मेन टारगेट फ्रॉम हेयर आई सपोज इज अ suicide point. Just to hydrate ourselves, we bought two small cokes. Mind you guys, this really is deep. It is deep, green, lush green, amazing and great. ये हरी भरी वादियाँ, ये गहरी गहरी खाइयाँ, ये गिल्बर्ट ट्रेल, ये हम और ये हमारी खाली कोक, बिल्कुल खाली। गिल्बर्ट ट्रेल में चलते चलते आपको आपके राइट साइड पे ये हट दिखेगी। अब वैसे तो गिल्बर्ट ट्रेल बहुत बड़ी है, लेकिन आप यहाँ पर रुक जाएं। इस हट से आपको नीचे जाना है, वहाँ दिखेगा आपको एक मेन पॉइंट which is famously known as suicide point. तो क्या कहते हैं आप लोग, चले नीचे और देखें फिर क्या चीज है suicide point. Just remember this and the track goes down. बी केयरफुल, आप जब भी गिल्बर्ट ट्रेल पे आए डोंट फॉरगेट टू वॉच फॉर दिस हट। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेल तो बहुत लंबा है। उसके आप नीचे आओगे तो ये बहुत एक नैरो सा छोटा ट्रेल है एंड दैट विल लीड यू टू सुसाइड पॉइंट। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सुसाइड पॉइंट। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऊपर इतना टफ टेरेन में आके बेचारा जो सुसाइड करने आएगा वो तो वैसे ही थक के मर जाएगा। है जोक्स अबाउट, दिस इज द सुसाइड पॉइंट और वाकई नाम जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसके नीचे देखिए बिल्कुल गहरी खाई है और आसपास कोई ऐसी पहाड़ी भी नहीं है कि इससे टकरा के वो बच जाए। तो यहाँ से जो नीचे गिरा वो सीधा जाएगा ऊपर। तो ये था आपके लिए सुसाइड पॉइंट। आज सुबह से आपके लिए कवर किया हमने मंकी पॉइंट, बेसिकली मार्केट, चर्च और ये है सुसाइड पॉइंट। लौटते हुए विल ट्राई टू कवर द setting sun from the sunset point. These boys are enjoying. Here's my partner, all-time partner. So now we'll see you at sunset point while the sun is setting down in east. Stay connected, stay tuned. हम लोग वापस लौट ही रहे थे कि मुझे एक चीज दिखी है। वो देखिए फ्रेंड्स, ये वो पॉइंट है जो हमने आज मिस किया था, मंकी पॉइंट, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। क्योंकि वो एरिया एयरफोर्स द्वारा मेंटेन किया जाता है तो ऊपर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर लकीली ये मुझे दिखा
और आपको मैंने दर्शन कराए। जय श्री हनुमान। अब चलते हैं आज के लास्ट स्पॉट सनसेट पॉइंट। चलिए चलते हैं। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, इतना गंदा कर दिया श्रीमान। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है लोगों का कौतूहल उत्साह बढ़ता जा रहा है। जल्दी से डूबते हुए सूरज को कैप्चर कर लें, सभी इसी होड़ में लगे हुए हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कोई ठीक सा पॉइंट मिल जाए तो हम भी सनसेट को कैप्चर कर सकें। तो इस डूबते हुए सूरज के साथ कसौली का ये ट्रिप यहीं ख़त्म करने की आगे चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि दोबारा से किसी अच्छी जगह पे आपको लेकर जाऊँ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।